देखिए अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में साथ बैठकर खाना खाने को खास अहमियत दी जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल साथिया में, जहाँ पर कनक जो है माला माल होकर भी कंगाल है, और गहना जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि उसका परिवार। खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये तो हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं, लेकिन आज गहना के ससुराल में ये देख भी लिया। देसाई परिवार जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ढोकला फाफड़ा जलेबी तरह तरह की मिठाई और न जाने कितने पकवान खाया करता था, आज उनके नसीब में दाल रोटी आ गई है। पर वो मोमेंट में भी एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि यू नो नॉर्मली हम फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे पास फैमिली है। सो इनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ ना होकर भी फैमिली का प्यार है और फैमिली है। बा को आज बूंदी के लड्डू भी मिले हैं, देखिए अपने परिवार को वो कैसे लड्डू खिला रही है। अब कहते हैं ना परिवार के असली ताकत की पहचान दुखों में ही होती है, सो आज सबको पहचान हो गई है कि इनका रिश्ता एकदम पक्का है। तो वही कनक के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेली है, क्योंकि उसके पास ना परिवार का प्यार है और ना ही सुख है। बिल्कुल, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी जैसे ही मेरा फ्लैश टूटता है मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी एट दी एंड मुझे फील होता है कि मैं अकेली हूँ और सब लोग एक साथ नीचे बैठे हैं, लेकिन वो खुशी से खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मुझे जेलसी भी होती है, मुझे बुरा भी लगता है, मैं अपसेट भी हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा भी आता है। तो इसलिए मैंने आपसे एक दिन पहले ही कह दिया था, जब आप घर बेचने की बात कर रही थी मैंने कहा पैसा ही सब कुछ नहीं होते, रिश्ते उससे भी बढ़कर होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए था तब। तो अभी आपको तकलीफ नहीं होती फिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि पैसा बोलता है या रिश्ते। कनक बहन ना जितनी दिखती है उतनी बुरी नहीं, अच्छी है। उनका ये दूसरा पार्ट नजर आ रहा है, हम लोग से कितना कनेक्टेड है वो। हे माँ, यहाँ से पटाने की तैयारी चालू हो गई। यानी कि सब कुछ छीन कर भी वो कंगाल है, और गहना जिसके पास कुछ नहीं है वो इसके बावजूद भी घर की रानी बनी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।